शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यही कहीं होने चाहिए। चलो सनी, लगता है इन लोगों को पता चल गया। हिंदुस्तान की सरहद यहाँ से थोड़ी दूर है भाईजान, मैं अब्बू के साथ यहाँ पर कई बार आई हूँ। तुम रुखसार को लेकर यहाँ से निकलो, मैं इन लोगों को ठिकाने लगाता हूँ। नहीं भैया, हम दोनों ही ने ठिकाने लगाएंगे। ये जज्बाती होने का वक्त नहीं है सनी, तेरा शेर भाई अब आजाद है। ये तो चंद गीदड़ है, मैं पूरी की पूरी पाकिस्तानी फौज पर भारी पड़ूंगा। तुम निकलो यहां से। भैया मैं अपनी भाभी से वादा करके आया हूं, आप मेरे वचन की लाज रखना। तू फिक्र मत कर, जाओ। कुछ लोग इधर जाओ। जल्दी करो। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा राम, मैं तेरी मौत बनकर आया हूं राम। अगर मैं चाहता तो तुझे जान से मार डालता, लेकिन तेरे मुंह से दो बार राम का नाम निकला है। तू मरता तो जन्नत में चला जाता, और उस पाक परवरदिगार ने तो तेरे लिए जहन्नुम में भी जगह नहीं बनाई है। तेरी सबसे बड़ी सजा यही है कि अब जब जब तू लंगड़ाएगा तुझे राम याद आएगा। चल लौट और मुझे हिंदुस्तान की सरहद का रास्ता बता।
हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह रही है कि मेजर राम सरहद के पार एक जिहादी कैंप में है। धोखे से लेकर गए हैं मेरे भाई को। मर्द होते तो मैदान जंग से लेकर जाते, हिजड़े कहीं के। हकीकत तो यह है कि इस वक्त वो दुश्मन की कैद में है। तो आप कुछ करते क्यों नहीं सर? हिंदुस्तानी फौजियों को तो वापस बुलाया जा सकता है ना। टेक इट इजी माय सन, हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। हमारी सरकार मेजर राम की रिहाई के लिए कोऑर्डिनेट कर रही है, थोड़ा वक्त लगेगा। हाउ मच मोर टाइम? 1965 और 1971 के हमारे जवान आज तक घर नहीं लौटे, 30 साल से ज्यादा हो गए। जिन नई नवेली सुहागनों ने हाथों में लाल चूड़े पहनकर अपने फौजी पतियों को सुहाग का टीका लगाकर घर से विदा किया था, वो आज तक उनका इंतजार कर रही हैं। भले ही उनके हाथों में लाल चूड़ियां हैं, मगर उनके सर के बाल सफेद हो गए सर। अपने पतियों की राह तकते तकते उनकी आंखें पथरा गई हैं, और जिन अभागनों की कोख में बच्चे थे वो बच्चे पैदा होकर जवान हो गए, और आज भी इसी उम्मीद पर जी रहे हैं कि शायद आपका कोऑर्डिनेशन कुछ असर दिखाए और उनका बाप घर लौटाए। लेकिन मैं अपनी भाभी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। मैं उनकी कोख में पल रहे बच्चे को उसके बाप की गोद दूंगा। आई विल डू दैट सर, आई विल डू दैट। मैं ढूंढ के लाऊंगा अपने राम भैया को। मैं रुक जाओ सनी, ऐसी कोई हरकत मत करना जिसकी वजह से तुम्हें सारी जिंदगी पछताना पड़े। प्यार करने वाले कभी पछताते नहीं है सर, प्यार पर निछावर हो जाते हैं। और राम भैया तो मेरे लिए श्री राम है। बर्तन मांज, सब हजम हो जाएगा साईं, सनी शाहरुख सब निकल जाएगा। नाम क्या है? सलमान। बिना कमीज बदतमीज, कहां का रहने वाला है? अल्लाह की जमीन का। पैदा होते ही मां बाप ने कहीं फेंक दिया, बचपन में एक बूढ़े फकीर ने पाला, बड़ा हुआ तो कभी मस्जिद में तो कभी सड़कों पर जिंदगी गुजारी। यानी कि अकेला है, बिल्कुल मेरी तरह। तूने तो जज्बाती कर डाला रे, मेरी आंखें नम कर डाली। हे, 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 हे।
सोच रहा सलमान यार, आज बंजारों की बस्ती में नाच गाने का प्रोग्राम है, चल चलते मजा आएगा। नहीं यार, मेरा मन नहीं कर रहा है और मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं है। अरे यार, तू कपड़ों की फिक्र क्यों करता है? मेरा भाई दुबई से हमेशा मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े भेजता है, तेरे को जो अच्छा लगेगा तू पहन लेना, पर चल मजा आएगा यार। चल आजा। एक पाकिस्तानी चेहरा उस पे जुल्फों का पहरा, जैसे कोई पहना गया, जैसे कोई पहना गया दुल्हन को फूलों का सेहरा। मेरी नजरों ने तेरे लबों को चूमा, मेरी नजरों ने तेरे लबों को चूमा, दिल 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 परदेसी हो गया, दिल परदेसी हो गया। इस दिल को ये कैसा एहसास है, लगता है क्यों ऐसा तू कहीं पास है, तेरी खुशबू हवाओं में बिखरी हुई, लगता है ये शाम कुछ खास है। झुकी झुकी नजरों से चोरी चोरी देखा, झुकी झुकी नजरों से चोरी चोरी देखा, दिल 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 परदेसी हो गया, दिल परदेसी हो गया। आ चल तेरा ख्यालों पे यूं छा गया, रात में ही सवेरा नजर आ गया, तेरी झांझर की गूंज सदाए सनम, प्यार चुपके से सावन बरसा गया। चेहरे से जुल्फ हटा के जो देखा, चेहरे से जुल्फ हटा के जो देखा, दिल 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 परदेसी हो गया, दिल परदेसी। चल शाने से ढलका, धीरे धीरे आ चल शाने से ढलका, दिल 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 परदेसी हो गया, दिल परदेसी हो गया। एक
पाकिस्तानी चेहरा, उस पे जुल्फों का पहरा, जैसे कोई पहना गया, जैसे कोई पहना गया दुल्हन को फूलों का सेहरा। मेरी नजरों ने तेरे लबों को चूमा, मेरी नजरों ने तेरे लबों को चूमा, दिल 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 परदेसी हो गया, दिल परदेसी हो गया, दिल परदेसी हो गया, दिल परदेसी हो गया। सुभान अल्लाह सलमान साई, सुभान अल्लाह, क्या गाते हो, क्या नाचते हो, सुल्तान मुल्तान जी साई। आज सलमान साई ने साई खुश मिजाज का दिल खुश कर दिया, इसलिए आज हम इसकी तरक्की करते हैं। आज से सलमान साई बर्तन नहीं मांजेगा बल्कि वेटर का काम करेगा। मुबारक हो सलमान साई, मुबारक हो। और सुन बे सुल्तान, वो जो जॉनी लीवर समोसे के साथ हम लोग चटनी पेश करते हैं ना, आज से उस चटनी का नाम होगा सलमान चटनी। नहीं नहीं साई, चटनी नहीं, सलमान चटनी नहीं हो सकता, इनका नाम रखिए सलमान शीख कबाब। नाम सुनते ही मुँह में पानी आ जाएगा। क्यों साई, चलेगा ना सलमान सी कबाब? चलेगा साईं, चलेगा। अल्लाहु 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 अल्लाहु। जिहादियों, इस्लाम की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। आज कश्मीर में हमारे मुसलमान भाइयों का कत्लेआम किया जा रहा है, हमारी बहनों की इज्जत को लूटा जा रहा है, उन्हें हमें इन काफिरों के जुल्म से बचाना है। जिहाद हर मुसलमान पर फर्ज है, हमें अल्लाह की राह पर जिहाद करना होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु 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 ओए, क्या ताक झांक कर रहा था? कोई ताक झांक नहीं कर रहा था जनाब, मैं तो आपका ये कार्ड लौटाने आया था। अच्छा, इन्हें ट्रेनिंग करते देखकर जनाब मेरे तो जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे ऐसा लगा कि अगर दुश्मन मेरे सामने आ जाए उसकी तो मैं दुश्मन को मारने का बड़ा शौक है तुझे हा? चल एक दिन मौका दूंगा, ठीक है, ये ले। सलमान सुल्तान साई, आज कर्नल बशीर के घर में पार्टी है 8 बजे। ऑर्डर क्या मिला है? शाहरुख मुर्ग, सनी पराठे, बिपाशा बिरयानी, करीना करी, सोनू शाही टुकड़ा और तब्बू हलवा। लंबा ऑर्डर मिला है। अल्लाह साईं सलामत रखे बॉलीवुड खाना और भेजे ऐसे ऑर्डर रोजाना। बाय अब्बू। हाय रुखसार। हाय शबाना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सरफराज। आदाब जनाब। आदाब तबरेज मियां। Thank you.
कौन कहां से आई है, ये हुस्न कहां से लाई है, तू कौन कहां से आई है, ये हुस्न कहां से लाई है, तेरा नूर नहीं इंसानों सा, क्या खुदा से बातें करती हैं जैसे लहरें मचलती हैं, क्या गुजर हुआ है गुलशन से या फूलों से नहाकर आई है, तेरा नूर नहीं इंसानों सा, क्या खुदा से मिलकर आई है, क्या खुदा से मिलकर आई है, का रस होठों में भरा, क्या पाकीज़ा है नाम तेरा, धड़कन की तरह से चलती है, क्या दिल बनकर आई है, तेरा नूर नहीं इंसानों सा, इस जहां में किसकी अमानत है, तू किसके दिल की मोहब्बत है कौन नसीबों वाला जिसकी, तू दुल्हन बनकर आई है, तेरा नूर नहीं इंसानों सा, खुदा से मिलकर आई है, क्या खुदा से मिलकर आई है, तू कौन कहां से आई है, ये हुस्न कहां से लाई है, तेरा नूर नहीं इंसानों सा, क्या खुदा से मिलकर
लेकिन आप ईसाई क्यों मौत को देख रहा है भाई? जानता है ये कौन है? ब्रिगेडियर सरफराज खान साहब की साहबजादी है। हा? गोली मार देंगे। उधर मत देख, काम कर काम कर काम कर। अरे वो देखो, वेटर पे दिल आ गया क्या? अरे रुक साहब, ये वही लड़का है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। What? हाँ रुक सर, ये वही है। Hey, come. लो साईं, तुम्हारी मौत खुद चलकर तुम्हारे पास आ रही है। हाय। जी। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई, वरना आपका शुक्रिया कैसे अदा करती? जी, किस बात का शुक्रिया? इसकी जान बचाने का। जी वो तो मेरा फर्ज था। आइए हम आपको हमारे अब्बू से मिलवाते हैं, वो आपसे मिलके बहुत खुश होंगे। जी जरूर जरूर, चलो साईं। और शेख साहब वहीं बेहोश हो गए। आदाब आदाब, एक्सक्यूज मी अबू, प्लीज कम, प्लीज प्लीज। ये हमारे अब्बू हैं, और ये आई एम सॉरी, मैंने तो आपको नाम ही नहीं पूछा। जी सलमान, आदाब। जीते रहो। अबू, उस हादसे से इन्होंने हमारी जान बचाई थी। ओह सलमान भाई, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं जनाब। बेटा कभी हमारे घर आना, वहाँ खुलकर बातें होंगी। जी बहुत खूब जनाब। ब्रिगेडियर साहब की लड़की और ये। आना बहुत अच्छा लगा सलमान, फिर कभी आना। जी शुक्रिया सर। बेटा इन्हें जरा गेट तक छोड़ाओ। जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आदाब जनाब। आदाब। आदाब, ब्रिगेडियर साहब हैं? जी अंदर हैं। घर तक भी आ पहुंचा। अल्लाह ने चाहा तो दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने चाहा है इसीलिए तो दोबारा मुलाकात हुई है और होती रहेगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ना जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। आप हिम्मत रखना भाभी। ये क्या निहारिका? ओ आज तो मेरा जन्मदिन है। थैंक यू। आपको तो कुछ भी याद नहीं रहता। ओ माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। जी नहीं। जी नहीं, तो फिर सनी का जन्मदिन होगा। नहीं नहीं नहीं। जान, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। आपको भी। प्रणाम भैया। प्रणाम भाभी। भैया भाभी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। गॉड ब्लेस यू सन, आई लव यू। बल्ले बल्ले सर जी, बल्ले बल्ले, वेडिंग एनिवर्सरी दिया, बहुत बहुत बधाई सर जी। बहुत बहुत मुबारक हो सर। बहुत बहुत बधाई हो सर, आपको ही भाभी जी। शुक्रिया नासिर। तो बल्ले बल्ले, बहुत बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू जसवंत। और सनी कैसा है? भाभी जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर। निहारिका बेटी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू अंकल। मेजर राम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, आप जसवंत और नासिर फौरन ऑफिस में रिपोर्ट करें। सर।
हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक मिलिटेंट्स की एक टुकड़ी इस इलाके में कहीं छुपी हुई है। आप अपनी कंपनी की एक प्लाटून स्ट्रेंथ के साथ उन्हें एलिमिनेट करेंगे, खत्म कर देंगे उन्हें। यस सर। लेकिन ख्याल रहे कि दुश्मनों की तादाद तुम लोगों से कहीं ज्यादा हो सकती है। एंड माइंडेड, दे आर फैनेटिक्स एंड रिलीजियसली मोटिवेटेड। होंगे सर, लेकिन हम एक एक हिंदुस्तानी भी तस तस के बराबर होते हैं सर। और फिर सर, हमें सिखाया भी गया है कि जंग हौसले से लड़ी जाती है, तादाद से नहीं। किस में जुर्रत है जो लाए हमारी परवाज में कोताही, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, गुड लक एंड गुड हंटिंग। सो जय हिंद। ओ गुरु साहब ने कहा ना, 1,25,000 से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहा हूं। जिंदा रहे पुत्र, दुश्मना दे फट्टे चक्के आई। ओए एक एक नु चुन चुन के मारांगा बीजी। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। वीर जी फतेह हो गया ना। माशाल्लाह, मेरे बेटे को नजर न लगे किसी की। तेरे सामने तेरा बेटा नहीं बल्कि वतन पर कुर्बान हो जाने वाला एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा है। मैं जानती हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी फौजी की माँ हूँ। जा बेटा, दुश्मन को खत्म कर दे, अल्लाह तेरा निगेबान है बेटा। सलाम बाबू जी। जिंदा रहे पुत्र। सलाम चाची। जिंदा रहे पुत्र। बापू जी वेखो किन्ने सोने लगते ने दोवे शेर पुत्र वर्दियां पाके। ठीक फरमाया आपने। जय हिंद। क्या देख रहे मेजर साहब? देख नहीं रहा हूं, निहार रहा हूं अपनी निहारिका को और चाहता हूं कि यूं ही निहारता रहूं हमेशा हमेशा के लिए। क्यों, जाना नहीं है क्या? जनाब आपका अंदाज तो ऐसा है जैसे मैं तफरी के लिए जा रहा हूं। अरे भाई मैं लड़ाई पे जा रहा हूं, आपको कोई टेंशन वेंशन नहीं हो रही? कैसी टेंशन? एक फौजी की बीवी होने की टेंशन जो लड़ाई पे जा रहा हूं। मैं एक फौजी की बीवी बाद में बनी रहा, कर्नल बत्रा की बेटी पहले हूं। बचपन से पापा को फौजी वर्दी में देखा और हमेशा एक गर्व सा महसूस किया। मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि इस वर्दी से मेरा रिश्ता कभी ना टूटे। भैया, जसवंत भैया और नासिर भैया आए हैं। लीजिए, बुलावा आ गया। निहारिका, अपने साथ साथ सनी का भी ख्याल रखना, ये सिर्फ मेरा भाई ही नहीं हमारे बेटे जैसा है। जी। सो बॉयज, सो लेट्स मूव। जवानों के साथ इस तरफ से मोर्चा संभालो। सर। जसवंत सर, तुम इस तरफ से। सर। और बहुत शांति के साथ पहाड़ी पर चढ़ना, याद रहे दुश्मन बहुत चालाक है। डोंट वरी सर, मैं अकेले सब पर भारी पड़ूंगा सर। इंशाल्लाह सालों को भून कर भुर्ता बना देंगे। ऑल द बेस्ट। Yeah!
हमारे सब जवान मारे गए। बंदा गया सर, एक एक रूप भून के रख देगा सर। हमारे इन जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। आगे बढ़ो, भारत माता की जय। जब जिंदा थे तो दुश्मन थे, अब मर गए तो दुश्मन भी नहीं रहे। कौन दफनाएगा तुम्हें? कौन मिट्टी देगा? हम दफनाएंगे तुम्हें, हम मिट्टी देंगे।
दुश्मनों की लाशों को भी हमने तो इज्जत बख्श दी, दुश्मनों की लाशों को भी हमने तो इज्जत बख्श दी। को अभिमान है दिल का टुकड़ा दे दिया हमने तो भाई जान कर, दिल का टुकड़ा को अभिमान है, तुम पे सारे देश को अभिमान है। ना करो गुमराह लोगों को धर्म के नाम पर, ना करो को अभिमान है, तुम पे सारे देश को अभिमान है। को अभिमान है, तुम पे सारे देश को अभिमान है।
जो छेड़ी फिर जो छेड़ी फिर जो छेड़ी जंग तो बरसेगा सावन खून का फिर जो छेड़ी जंग तो बरसेगा सावन खून का नक्शों से मिट जा से मिट जाएगी जो भी तेरी पहचान है ओ शहीदो ओ शहीदो तुम पे सारे देश को अभिमान है तुम पे सारे देश को अभिमान है वतन पे जान दी तुमने वतन पे हम पे ये एहसान है ओ शहीदो ओ शहीदो ओ शहीद नहीं नहीं बेटा वतन पे जान देने वाले सिपाही कभी मरते नहीं वो अमर हो जाते हैं फख्र है मुझे इस पे कि मैं इसकी माँ हूँ एक शहीद की माँ हूँ बीजी कोई गल नहीं पुत्र जी कोई गल नहीं जहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चार चार पुत्र देश और धर्म पर कुर्बान कर दिए थे वहां मैंने तो सिर्फ एक ही बेटे की कुर्बानी दी है वाह पुत्र जी वाह आपने तो अपनी माँ के दूध का कर्ज चुका दिया कैप्टन जसवंत सिंह हमारे लेफ्टिनेंट नासिर खान हमारे कैप्टन जसवंत सिंह हमारे लेफ्टिनेंट नासिर खान हमारे कैप्टन जसवंत सिंह हमारे लेफ्टिनेंट नासिर खान हमारे कैप्टन जसवंत सिंह हमारे आदाब जनाब आदाब बहुत अफसोस की बात है जनाब कि आपके भाई जनाब फजल बेग ने दुश्मनों के साथ लड़ते हुए शहादत हासिल की हमें नाज है कि हमारे भाई ने शहादत हासिल की मगर अफसोस इस बात का है जिस खेत में हमने खौफ और बुजदली की खाक डाली थी वहां जांबाजी की फसल कैसे पैदा हो गई मुझे मेजर राम चाहिए जिंदा बहुत कोशिशों के बाद भी जसवंत और नासिर का चेहरा मेरी आंखों के सामने से नहीं हटता है सर मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं मेजर राम आखिर कितने जसवंत सिंह और नासिर खानों को बार बार मरना पड़ेगा सर कब तक चलता रहेगा यह सिलसिला अफसोस की बात तो यह है कि हमारे मुल्क के रहनुमाओं ने हमेशा पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की मगर सच तो यह है सर कि जब जब पाकिस्तान के नेताओं को अपनी कुर्सी खतरे में नजर आती है ना तो जिहाद का नाटक शुरू कर देते हैं या फिर कश्मीर का मुद्दा लेकर खड़े हो जाते हैं देखिएगा सर एक दिन पाकिस्तान में भी क्रांति आएगी वहां की जनता जागेगी
तब वो समझेगी कि हिंदुस्तान एक अच्छा पड़ोसी है, एक बहुत अच्छा दोस्त है। तब उन लाखों पाकिस्तानियों के हाथ हमारी तरफ दोस्ती के लिए बढ़ेंगे और फिर हम उन्हें अपने गले से लगाकर उनके दिल मोहब्बत से भर देंगे। मेजर राम, काश ऐसा हो। ऐसा होगा सर, चलता हूं सर। जय हिंद। जय हिंद। वाह, क्या खुशबू आ रही है भाभी, ऐसा लगता है जैसे किसी 5-स्टार होटल के किचन में आ गया हूं। वैसे आपके हाथ के खाने का तो जवाब नहीं, ऐसे ही थोड़ी ना राम भैया ने आपको पसंद किया है। अच्छा, मैं क्या यहाँ खाना बनाने के लिए लाई गई हूँ? नहीं भाभी, मैं तो आपके टैलेंट की बात कर रहा था। बहुत भूख लगी है भाभी, खाना दो ना प्लीज। अरे, आज तुम अपने भैया का इंतजार नहीं करोगे? ओह सॉरी 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 भाभी सॉरी प्लीज। बज गए भाभी, भैया अभी तक नहीं आए। ब्रिगेडियर अंकल के ऑफिस में फोन करके देखो ना। जी। कोई नहीं उठा रहा। मुझे तो, मैं उनके मोबाइल पर ट्राई करती हूँ। हेलो अंकल, मैं निहारिका बोल रही हूँ। हाँ निहारिका बेटे, बोलो क्या बात है? अंकल मुझे राम से बात करनी है। लेकिन राम तो 2 घंटे पहले ही मेरे दफ्तर से जा चुका है। अच्छा, लेकिन वो अभी तक तो यहाँ पहुंचे नहीं है। मैंने उनके मोबाइल पर भी ट्राई किया था, फोन ऑफ है। Oh, I see. Don't worry. मैं पता करके अभी तुम्हें फोन करता हूँ। हाँ जी अंकल। सर, ड्राइवर की लाश के पास मेजर राम का नाम मिला, इस बात का सबूत है कि वो जिंदा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो जिंदा है तो है कहां? हमारे जवानों ने पूरा जंगल छान मारा लेकिन मेजर राम का कहीं पता नहीं चला। सर, मेजर राम का ना मिलना कहीं किडनैपिंग की तरफ इशारा तो नहीं है? अगर उन्हें किडनैप किया गया है तो ये एक बहुत ही बड़ी साजिश है। हो सकता है कि इसके पीछे ISI का हाथ हो या फिर किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का। भाभी, भाभी क्या हुआ आपको? भाभी, मेजर राम के शौक से बेहोश हो गई थी, पर आप लोगों के लिए खुशखबरी है, मिसेस राम मां बनने वाली हैं। थैंक यू डॉक्टर। देख रहा हूं हमारी पाकिस्तानी भट्टी में तुम्हारे हिंदुस्तानी जोश का लोहा मोम बन के पिघल रहा है। तेरी पाकिस्तानी भट्टी में तो इतनी भी गर्मी नहीं कि वो हिंदुस्तानी मोम तक को पिघला सके। तबरेज मियां, दुश्मन के अंदर जब फौलादी जज्बा पैदा हो जाए तो उसे मारना तो बहुत आसान है लेकिन तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम इसे तोड़ेंगे और जब ये टूटेगा तो बोलेगा, बताएगा कि सरहद पार हिंदुस्तानी फौजों की ताकत क्या है और उनके मंसूबे क्या हैं। नहीं, इसने मेरे भाई फजल बेग को मारा है, आज नहीं तो कल इसे हर हाल में मरना है। ब्रिगेडियर साहब, हिंदुस्तानी फौज की ताकत का हिसाब आप रखें ब्रिगेडियर साहब, हम नहीं, क्योंकि हम फौजी नहीं जिहादी हैं और जिहाद किसी मुल्क की सरहद से लिपट कर नहीं लड़ा जाता बल्कि उसके अंदर घुस कर लड़ा जाता है। और हमारा मकसद है अपने कश्मीर से इनका तिरंगा उखाड़ कर फेंक देना इंशाल्लाह। किस तिरंगे को उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है तू? किस तिरंगे को?
अरे जिस कश्मीर में केसर के खेत, सफेद बर्फ के पहाड़ और हरे चिनार के दरख्त हैं, अरे जिसे खुद कुदरत ने तिरंगे से नवाजा है, तू उस तिरंगे को क्या उखाड़ कर फेंकेगा? ब्रिगेडियर साहब, 15 जुलाई तक ये आपका है और उसके बाद राम, कब आओगे राम? करो। आदरणीय भाभी, भले ही हिम्मत के पर्दे के पीछे आपने अपने दर्द को छुपा रखा है, लेकिन हर पल अपने पति की राह तकती एक पत्नी के दुख को मुझसे ना छुपा सकी। आज सरहद पार भैया दुश्मन की कैद में न जाने किस हाल में होंगे। क्या ऐसे में मेरा घर पे रहना ठीक होगा? नहीं भाभी, नहीं, मुझे जाना होगा एक मिशन पर, और मेरा मिशन है दुश्मन की कैद से राम भैया को आजाद करवाना, आपके सुहाग को वापस लाना। आपकी कोख में पल रहा बच्चा अपने पिता की गोद में ही आंख खोलेगा। भाभी, ये मेरा वचन है आपसे, अपना ख्याल रखना। मैं कहां गया हूं आप किसी को नहीं बताना, आपको मेरी कसम। हे भगवान, ये तुमने क्या किया सनी? तुमने क्या किया? सलमान भाई, क्या सोच रहे हो? कभी कभी खाना भी खाया करो। क्या साईं, आजकल क्रिकेट की खबरों में मजा ही नहीं आ रहा है। वो इसलिए साईं कि हिंदुस्तान की टीम नहीं खेल रही है। अरे मजा तो तब आता है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टक्कर होती है। सलमान साईं, जरा सोचो क्या आलम होगा जब रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को गेंद फेंकेगा। इधर शोएब अख्तर ने अपने हाथ में गेंद उछाली और उधर सचिन तेंदुलकर ने अपना बल्ला टिकाया। स्टेडियम में सन्नाटा, दिलों की धड़कनें तेज। शोएब अख्तर ने 100 मील की रफ्तार से गेंद फेंकने के लिए दौड़ लगाई। इधर सचिन तेंदुलकर ने गेंद पर नजरें जमाई, शोएब अख्तर ने गेंद फेंकी और सचिन ने घुमाया बल्ला और ये छक्का। सलमान साईं, कोई असर नहीं? तुमने कुछ नहीं सुना मैंने क्या कहा? साईं, कितना अच्छा हो अगर शोएब और सचिन एक ही टीम में खेलें, तो दुनिया की कोई टीम हमें नहीं हरा सकती। सुभान अल्लाह, दिल की बात कह दी साईं। आ गए मुफ्त कोर साईं।
ओए बना जरा दो चार गिलास लस्सी। अस्सलाम वालेकुम हुजूर साईं। ओ वालेकुम अस्सलाम। क्यों साईं मियां खुश मिजाज, क्या बातें हो रही थी? हुजूर साईं, बड़े पते की बात कही इस लड़के ने आज। अच्छा जरा हम भी तो सुने क्या कहा। ऐसा है साईं कि आजकल क्रिकेट में मजा नहीं आ रहा है ना, है? तो ये मुझसे बोला कि साईं अगर सचिन तेंदुलकर और शोएब अख्तर एक ही टीम से खेलें तो दुनिया की कोई टीम हमें हरा नहीं सकती। चुबे, हमारे दुश्मन हिंदुस्तान के साथ खेलने की बात करता है, कहीं तू वहीं का तो नहीं? नहीं नहीं जनाब, याद है आपको मैंने आपसे कहा था कि मैं दुश्मन को मारूंगा, याद है आपको? अरे हाँ यार, याद आया। एक दुश्मन है, उसे आर्मी हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ रूटीन चेकिंग के लिए, अगर तू चाहे तो उसे मारकर अपनी तमन्ना पूरी कर ले। ओए जमाल खान, जरा निकाल बाहर उस मेजर को। क्या देख रहा बे, जा मार उसे। ओए जा ना। ओए मार, जरा हम भी तमाशा देखें कैसे मारता है तू दुश्मन को। तू क्या मारेगा दुश्मन को, तू तो खुद ही ढेर हो गया। बड़ा बोल रहा था दुश्मन को मारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, है? चल जा अपना काम कर। हाँ चल, ओए बिठाए नो अंदर। चल सेट बुला रहे हैं। अरे सलमान। हाँ? चलो मैं तुम्हें पीर बाबा के मजार पर ले चलती हूँ, कहते हैं वहाँ जो भी मन्नत मांगता है वो पूरी होती है। अच्छा हाँ, पीर बाबा मेरी भाभी को दिया हुआ वचन पूरा करवा दो, मेरे भाई को आजाद करवा दो। पीर बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे सलमान का प्यार दिया। क्या मांगा सलमान? तुम बताओ तुमने क्या मांगा? मुझे तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया है, तुम बताओ तुमने क्या मांगा? बस खुशियां ही खुशियां। ओहो इश्क, इश्क सौरभ है।
ये क्या गुस्ताखी हो रही है? हिंदुस्तानी मेजर को कुत्तों का खाना खिलाया जा रहा है? अरे आज तुमको दावत करवानी चाहिए। ओ बिरयानी, कबाब, दम पख्त, मुर्गा। आज जश्न का दिन है ना,
फतेह का दिन, फतेह का। जानते हो मेजर राम, हमारे जांबाज जिहादियों ने कश्मीर की असेंबली, दिल्ली की पार्लियामेंट और कलकत्ता की एम्बेसी के बाद मजहबी आग फैलाकर दहशत और खौफ से हिंदुस्तान की सियासत की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। अब वो दिन दूर नहीं है मेजर राम, जिस दिन हम जामा मस्जिद की दहलीज पर खड़े होकर लाल किले पर फहराते हुए हरे झंडे को सलाम करेंगे, इंशाल्लाह। हे तबरेज, तू तो पूरा मुझे शेख चिल्ली लगता है रे। जानता है शेख चिल्ली किसे कहते हैं? जो दिन भर चारपाई पर लेटे लेटे ख्वाब देखा करता है, पर तू तो खड़े खड़े ख्वाब देख रहा है। कभी जामा मस्जिद पे नमाज पढ़ने का, तो कभी लाल किले पे हरा झंडा फहराने का। अरे तू अपनी कैद में एक आम हिंदुस्तानी सिपाही को तो खौफजदा कर ना सका, पूरे हिंदुस्तान को क्या खौफजदा करेगा? और जिस मुल्क की बुनियाद को तू हिलाने की बात कर रहा है ना, याद रख, तेरे मुल्क पाकिस्तान की बुनियाद उसी हिंदुस्तान पे खड़ी है। अरे शुक्रिया अदा कर हिंदुस्तान का, जिसने तुम्हें खड़े होने के लिए जमीन दी। खामोश, चिल्लाओ मत। बहुत हो गया तेरे खौफ, आतंक और जेहाद का रोना धोना। अरे खैरात में मिली जमीन पर अपने मालिक को याद करके अमनो चैन से रहना सीख। अरे मत भूल कि जो जमीन देना जानते हैं वो जमीन लेने की हिम्मत भी रखते हैं। और जिस दिन ऐसा हो गया ना, उस दिन तेरे मुल्क का दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। जय राम जी की। रुखसार, क्या बात है रुखसार? आज एक खत लौट आया। किसका खत? सलमान, हम जब लंदन में पढ़ते थे तो हमारे कॉलेज में एक दिन एक लड़का हमें घूर घूर के देखने लगा, फिर वो हमारे तरफ बढ़ने लगा। देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे, बहुत हैरानी हुई हमें। वो बोला, मेरा नाम अर्जुन है। हमने न चाहते हुए भी उसे हमारा नाम बता दिया। फिर वो फूट फूट के रोने लगा और बोला, 3 महीने पहले मेरी छोटी बहन की डेथ कैंसर से हो गई। कहने लगा, आपकी सूरत मेरी बहन से बहुत मिलती है, क्या आप मेरी बहन बनोगी? आज राखी का दिन है, मुझे राखी बांधोगी? और हमने उसकी कलाई पर राखी बांध दी। कुछ दिनों बाद वो हिंदुस्तान चला गया और हम पाकिस्तान आ गए। हर साल इंडिया हम उसे राखी भेजते रहे और उसकी दुआओं भरा खत आता रहा, मगर आज हमारी भेजी हुई राखी वाला खत लौट आया। उस पे किसी ने लिखा था, कुछ ही दिन हुए अर्जुन हिंदू मुसलमानों के दंगों में मारा गया। ऐसा क्यों होता है सलमान? लोग मजहब के नाम पर इंसानियत का कत्ल क्यों करते हैं? क्यों? मेजर राम, आपकी तरह हम भी एक फौजी हैं और एक फौजी के जज्बे को अच्छी तरह समझते हैं, और हम चाहते हैं कि आप अपने मुल्क वापस लौट जाएं। इस मेहरबानी की वजह? हमदर्दी। हम फौजी अपना घर और घर वालों को छोड़कर जंगलों, पहाड़ों, बर्फों और रेगिस्तानों में अपनी जान हथेली पर रखकर सारी जिंदगी गुजार देते हैं। उसके एवज में हमें मिलता क्या है? 10, 20, 25,000 रुपए
और सर पे मंडराती हुई मौत, आज से आप हमारे कैदी नहीं, दोस्त हैं। और अब हम 10-20-25 हजार रुपयों की बात नहीं करेंगे, लाखों डॉलर्स की बात करेंगे। आप बताइए कि आपको कितने डॉलर्स किस मुल्क में चाहिए और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना होगा, जो करना होगा हम करेंगे। आप सिर्फ पाकिस्तानी एजेंट बनकर हिंदुस्तानी फौज में काम करते रहें और अपनी फौज की खुफिया जानकारी हमें देते रहें। इससे क्या होगा सर? इससे हम तुम्हारे कश्मीर को अपने पाकिस्तान का हिस्सा बना लेंगे। बस सर, मेरी भी आपसे एक गुजारिश है। कहिए। आप अपनी सारी पाकिस्तानी फौज की और सारे पाकिस्तानी आवाम की एक लिस्ट बनाइएगा और उन सबसे पूछिए कि अपने मुल्क के साथ गद्दारी करने के लिए कितने डॉलर चाहिए उन्हें। क्या बकते हो मेजर? वो समत होइए सर, आपने अपनी बात कही, मैंने शांति से सुनी, अब मैं अपनी बात कह रहा हूं, आप शांति से सुनिए। हां, और जब आपकी लिस्ट बन जाए तो मुझे दीजिएगा, मैं उसे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री साहब के पास भेजूंगा। और आपसे वादा करता हूं सर कि जितने डॉलर्स आप मांगेंगे उससे दुगने आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको पाकिस्तान का नाम बदलकर हिंदुस्तान रखना पड़ेगा। किस सोच में पड़ गए सर? बोलिए, है हिम्मत? लगाते हैं दांव? सोचकर बताइएगा। जय राम जी की। वाह मेजर, वाह। हमारा विदेश मंत्रालय पाकिस्तान हाई कमीशन से लगातार टच में है, उम्मीद है कि बहुत ही जल्द कोई पॉजिटिव खबर आएगी। बेटे आप बिल्कुल घबराइए मत। घबराना तो उन लोगों को चाहिए अंकल जिनके लंका पर राम के कदम पड़ चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है मेरे राम जल्द ही वापस लौट आएंगे। That's like a soldier's wife. चलती हूँ अंकल, नमस्ते। जनाब, आपने मुझे याद किया? हाँ, ये जनरल साहब का लेटर आया है, मेजर राम की हमारे यहाँ मौजूदगी की मालूमात करना चाहते हैं, और ये इंडियन गवर्नमेंट की उस अर्जी की कॉपी है जिसमें उन्होंने मेजर राम की रिहाई की मांग की है। यहां पर किसी की अर्जी नहीं, हमारी मर्जी चलती है। मेरे भाई फजल बेग की लाश के साथ साथ 50 जिहादियों की लाशें गिराई हैं उस मेजर राम ने। उसे तो हर हाल में मरना है जनाब, हर हाल में। अदब। मेजर राम की रिहाई तो मेरी मौत के बाद ही हो सकती है, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आदाब हुजूर। आदाब। रमजान मियां, हमें आने में बहुत देर हो गई आज। अरे हाँ, रुखसार बिटिया ने खाना खा लिया? नहीं हुजूर, सूप पी के सो गई और कहने लगी अब तो अब्बू के साथ सुबह ही ब्रेकफास्ट करूंगी। ब्रेकफास्ट? रमजान मियां। जी हुजूर। जरा इधर तो आइए। आ गया हुजूर। सुनिए। सुनाइए। जरा कान तो इधर लाइए। रुखसार। Good morning, good morning, good morning. Very, very good, very good morning.
आपके लिए आज हमने आपके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया है। आज हमने आपके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया है। दावत है हमको कबूल, कहिए क्या क्या बनाया है। चलिए तशरीफ तो रखिए, चलिए चलिए तशरीफ तो रखिए मोहब्बत की कुर्सी पर। थैंक यू। ब्रेकफास्ट सजाया है खुशियों की टेबल पर। ममता के इस ग्लास में गरम गरम है दूध। चैन अमन के जार में फ्रेश फ्रेश है जूस। कुदरत के बाहों से हम फ्रूट्स लेकर आए हैं। गुलशन से अब्बू। आज हम बहुत 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 खुश हैं और हम आपसे एक बहुत 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 खुशी की बात कहना चाहते हैं। रुखसार बेटा, हम भी आज बहुत 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 खुश हैं और हम आपसे एक बहुत 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 खुशी की बात कहना चाहते हैं। हुजूर, हक साहब का फोन है। ओ, आदाब जी। हुजूर जी। ओके सर, मैं अभी हाजिर होता हूं। बेटा, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं। बाय। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आज के बदलते हुए सियासी हालात को मद्देनजर रखते हुए सवाल ये उठता है कि क्या हमारे मुल्क के इर्द गिर्द या दूर दराज के मुल्कों में मुसलमानों की मौजूदगी को बर्दाश्त किया जा रहा है। हमारा मकसद न सिर्फ
آج کی ورلڈ پالیسیز کی مخالفت کرنا ہے، بلکہ یہ بھی جتانا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمانوں کے حالات میں بہتری آئے، اس کے لیے ہمیں چاہے کوئی بھی راستہ اختیار کرنا پڑے۔ بریگیڈیئر سرفراز خان صاحب، ہمیں معلوم ہوا ایک ایسے سرکاری خط کے بارے میں جو وجہ بن سکتا ہے اس ہندوستانی میجر کی رہائی کا، لیکن ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے ہمارے بہت جانبازوں کا خون کیا ہے، اسے مرنا ہوگا، یہی اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن جناب، آرمی کے بھی کچھ قاعدے قانون بنائے گئے ہیں جن پہ ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے۔ قاعدے فوج کے لیے ہیں اور جنگ جہاد ہمارے لیے، ویسے فوجی قاعدوں سے ہم بے خبر بھی نہیں ہیں۔ آپ کے قاعدے اور ہمارا مقصد بھلے ایک ہی ہیں، مگر ہمارے طریقے الگ الگ ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنگ میں ہمیشہ آپ نے اپنے طریقوں پر چل کر دشمن سے شکست پائی ہے۔ جنگ میں فتح صرف بارود اور فوجی لشکر سے ہی نہیں ملتی، فتح ملتی ہے جہاد سے۔ جہاد کیا ہے؟ مذہب کی بندوق میں نفرت کا بارود، اور اس بارود کو ہم نے ہندوستان کے چپے چپے پر بچھا دیا ہے، اور اس کام کو وہاں بیٹھے ہمارے ہی وفادار لوگ بڑی کامیابی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ ایسا سوچنا غلط ہے جناب، بے خبر ہیں شاید آپ اس حقیقت سے کہ ہندوستان کا مسلمان وطن پرست ہے، وہ اپنی جان دے سکتا ہے لیکن اپنے وطن کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ مانا کہ ہندوستان کا مسلمان وطن پرست ہے، مگر ان میں سے کچھ ہاتھ ایسے بھی ہے جو خالی ہے، اور ہم نے ان خالی ہاتھوں کا فائدہ اٹھا کر ان ہاتھوں میں پیسہ اور ہتھیار پکڑا دیے۔ ان کے دل و دماغ میں مذہب کا جنون بھر کر ہم جہاد کی جڑیں مضبوط کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میدان جنگ میں دشمن کے سامنے سینہ تان کر اسے دھول چٹانے کا حوصلہ ہم بھی رکھتے ہیں جناب، مگر حضور، جہاد کی آڑ میں مذہب کو بدنام کر کے ہزاروں بے گناہوں کا خون بہانا مقصد نہیں ہے ہمارا۔ مقصد جہاد، مذہب، دہشت، ان لفظوں کا استعمال ہم کریں گے، آپ نہیں۔ آپ صرف وہ کریں گے جو ہم چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس پر دستخط کریں۔ مگر اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کا میجر رام ہمارے کیمپ میں موجود نہیں ہے، یہ غلط ہے جناب، میں اس پر دستخط نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے جناب کہ میجر رام ہمارے کیمپ میں موجود ہے، اور میں اپنے سینئرز کو غلط رپورٹ نہیں دے سکتا۔ دستخط تو آپ کریں گے بریگیڈیئر صاحب، فرض اور سچائی کی خاطر اگر میرا سر بھی کٹ جائے تو کوئی غم نہیں، لیکن میں اس پر دستخط نہیں کروں گا، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ رک جاؤ بریگیڈیئر، اپنے سینئر سے تو ملتے جاؤ۔ تشریف لائیے جنرل چاند خان صاحب۔ ہمیں پتا چلا ہے وہ انڈین میجر رام آپ کے کیمپ میں ہے، ابھی آپ کو مجھے کوئی رپورٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، سرکار کو کیا جواب دینا ہے ہم جانتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ یو مے گو۔ یس سر۔ اللہ حافظ جنرل صاحب۔ اللہ حافظ۔ تبریز، تم اپنا انتقام پورا کرو، آزاد کر دو اسے زندگی سے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ شکریہ جناب، اب میرے مرحوم بھائی فصل بھائی کی روح کو سکون ملے گا، شکریہ جناب۔ پکڑنا سالے کتے کو،
ऐसे चलो उसको, ऐसे चलो उसको गाड़ी के अंदर, बैठो इसे अंदर, चलो अंदर, चलो। अरे अरे हुजूर साहब, इस बच्चे को लिए कहाँ जा रहे हैं? इसका कसूर क्या है? अरे खामोश, उसे बचा लो साईं, सलमान अच्छा लड़का है साईं। अल्लाह अकबर, 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 अल्लाह अकबर। कौन है तू? जी सलमान। झूठ बोलता है काफिर? जी नहीं। तबरेज, हंटर लाओ, आखिरी मौका दे रहा हूं, जनाब के सामने सच सच बता दे कौन है तू? कौन है तू? बता कौन है तू? नहीं नहीं हुजूर साईं, नहीं इसे मत मारिए, नहीं नहीं साईं, नहीं इसे माफ कर दीजिए, ये बेकसूर है, मासूम है, बिन माँ बाप का बच्चा है। हट जा साईं, ये काफर पाकिस्तानी नहीं हो सकता है, हमारी नजर कभी धोखा नहीं खा सकती। नहीं साईं जनाब, ये पाकिस्तानी भी है और नेक मुसलमान भी है। मुसलमान है? अभी पता चल जाएगा। तबरेज। जनाब। जी जमाल। जनाब, इसकी सलवार उतारो और मुआयना करो। चलो। नहीं साईं, जनाब इसका तो खतना बचपन में ही किया गया है। हो गई तसल्ली? मुआयना मुकम्मल हो गया तो सलवार चढ़ा लो जनाब। वाह जनाब वाह, क्या खूब तरीका है एक मुसलमान की पहचान का। वाह, मैं आपसे पूछता हूं, आपसे और आपसे भी जनाब, आप सबने तो अल्लाह ताला के फजल से सच्चे मुसलमान के घर जन्म लिया है, लेकिन क्या आपको अपने मुसलमान होने का सबूत इस तरह कपड़े उतरवा कर देना पड़ा है? क्या एक सच्चा मुसलमान अल्लाह का बनाया हुआ बंदा नहीं, बल्कि इंसानी हाथों की कारीगरी है जिसकी पहचान इस तरह की जाती है? आप सब खामोश क्यों हैं? जवाब दीजिए, क्या यही तरीका है एक मुसलमान की पहचान का? अगर यही तरीका है तो अल्लाह माफ करे, इंसान पैदा तो हिंदू होता है, सिर्फ इंसानी हाथों की कारीगरी उसे मुसलमान बना देती है। ले जाओ इस गुस्ताख को। शुक्रिया साईं जनाब, अल्लाह हाफिज। चलो तबरेज, इसकी कोई भी हरकत से पता चले कि यह गद्दार है, हजारों गोलियां इसके सीने में ताक देना। आदाब जनाब। जनाब पता नहीं क्यों मुझे इस लड़के पे बहुत शक है। आपको किस पर शक है तबरेज मियां? वही सलमान जनाब, जिसे कल सरेआम आपने बेइज्जत किया था। ये अच्छी बात नहीं है तबरेज मियां। पता नहीं क्यों जनाब, जो वो दिखता है वो है नहीं। हमारा ख्याल है वो निहायत ही शरीफ लड़का है। शायद आप उसकी तरफदारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी बेटी रुखसार के। खामोश तबरेज मियां, हमारी बेटी की जिम्मेदारी हमारी है, हम उसके बाप हैं। आप अपनी हद के दायरे में रहकर अदब से बात कीजिए। मैं आपको अपना समझकर आगाह कर रहा हूं जनाब, आप एक अनजान लड़के को शह दे रहे हैं, उसकी तरफदारी कर रहे हैं। माफ कीजिए ब्रिगेडियर साहब, एक दिन बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं और उन तमाम सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं आपको। सलमान से मिलने गई थी? जी अबू। आज के बाद तुम सलमान से नहीं मिलोगी। मगर अबू, हम जानते हैं कि तुम सलमान को चाहती हो, मगर हकीकत यह है कि तुम सिर्फ सलमान का सोचती हो और हम जमाने का। जमाने का हमारी जिंदगी पे कोई हक नहीं अबू, और आप तो जानते हैं सलमान ने अपनी जान पे खेलकर हमें मौत के मुंह से बचाया था। ओ,
तो उसके एहसान को प्यार समझ बैठी हो तुम। प्यार किसी एहसान का मोहताज नहीं होता। हमें सलमान से दिली मोहब्बत है। हमें यकीन है कि तुम्हारी मोहब्बत उसके एहसान के जड़ों से फूट कर निकली है, लेकिन उसे मोहब्बत नहीं कहते, मुरब्बत कहते हैं। कहां सलमान, कहां तुम। उसके एहसानों का बदला तो और कई तरीकों से चुकाया जा सकता है। उसने तो हमसे कभी अपने एहसान का जिक्र तक नहीं किया। यही तो उसकी चाल है, तुम्हें मोहब्बत के जाल में फंसा रहा है। बड़े घर की लड़की के साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है। नहीं अबू नहीं, हम आपको कैसे यकीन दिलाएं कि वो एक नेक इंसान है। वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारी उम्र कच्ची है, तुम्हारी सोच कच्ची है। हम ये रिश्ता कबूल नहीं कर सकते। नहीं अबू, हमारी सोच पर रोक मत लगाइए। कसम अल्लाह की, हम सलमान के बिना नहीं जी सकते। हम अपनी जान दे देंगे। रुखसार, हम तुम्हारे इस सलूक से बहुत शर्मिंदा हैं। तुमने हमारी तौहीन की है। तो क्या तुमने फैसला कर लिया है कि सलमान के बगैर तुम जी नहीं सकती? अब तुम्हारी जिंदगी में हमारी कोई जगह ही नहीं रही। प्लीज अब्बू, ऐसा मत कहिए। ऐसा ना कहिए तो क्या कहिए? अब तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, हमें या सलमान को। तुम्हारी खामोशी बताती है कि तुम सलमान को ही चुनोगी। बोलो, चुनोगी ना सलमान को? That's like my darling daughter. हमें तुम पर नाज है रुखसार, हमें सलमान कबूल है।
बहुत खुश लग रही हो। यस, वेरी वेरी हैप्पी। चलो बस अभी मेरे साथ चलो। बात क्या है सलमान? हमारे अब्बू हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कल रात को उन्होंने हमारी जान ही निकाल दी। क्यों? अब्बू हमसे प्यार कम और किसी गैर से ज्यादा प्यार करने लगे हैं। अरे इस बुढ़ापे में क्या दूसरी शादी कर रहे हैं? छी 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 छी, कितना गंदा मजाक करते हो। अरे वो गैर जिससे अब्बू हमसे ज्यादा मोहब्बत करने लगे हैं, वो तुम हो। क्या? हाँ, और वो हमारा हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहते हैं। क्या हुआ सलमान, खुश होने की बजाय तुमने मुंह उधर फेर लिया? ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मुमकिन नहीं है, क्या नहीं हो सकता? तुम सच नहीं जानती रुखसार। तो बताओ ना सच क्या है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा रुखसार। तो बताते क्यों नहीं, बताओ बताओ ना। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। What? और चोरी से सरहद पार करके आया हूँ, अपने भाई मेजर राम को तुम्हारे अब्बू की कैद से आजाद करवाने आया हूँ, जिन्हें जेहादी धोखे से किडनैप करके यहाँ ले आए हैं। अपनी माँ जैसी भाभी की खातिर आया हूँ, उनकी कोख में पल रहे बच्चे की खातिर आया हूँ। तुम एक हिंदुस्तानी हो, मेजर राम के भाई हो, एक हिंदू हो। पैदा होने से लेकर अपनी आखिरी सांस तक मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी ही रहूंगा। लेकिन यह भी एक सच है रुखसार कि मैंने तुम्हारी ही तरह एक नेक मुसलमान के घर जन्म लिया है। झूठ पे झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं रुखसार, ये सच है। मैं बहुत छोटा था जब मजहबी आग की लपेट में मेरे अब्बू और अम्मी मारे गए। अब्बू राम भैया के घर में मुलाजिम थे, फरिश्ते रहते हैं उस घर में। वहां मुझे छोटे भाई का दर्जा दिया गया। बचपन से ही मेरे मजहब को इज्जत से देखा गया और एक अच्छे मुसलमान की तरह उस घर में मैंने परवरिश पाई। लेकिन राम भैया और भाभी का प्यार मेरे लिए हर धर्म और मजहब से बढ़कर है। लेकिन शायद तुम इसका अंजाम नहीं जानते। शायद मौत। एक हिंदुस्तानी और एक सच्चा मुसलमान होने पर मुझे नाज है, लेकिन राम भैया के लिए जान देना मेरे लिए फक्र की बात है। सलामत रखना मेरे अल्लाह, सलामत रखना। अबू क्या बात है बेटा? हम जानते हैं अबू, मगर फिर भी जानना चाहते हैं आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। रुखसार बेटे, तुम नन्ही सी थी, तुम्हारी माँ ने मरने से पहले
तुम्हें हमारे हाथों में सौंपा और कहा, हमारी रुखसार को हमेशा मां की नजर से देखना। तब से आज तक हमने तुम्हें बाप बनकर पाला तो जरूर है, लेकिन देखा हमेशा मां की नजर से है। तुम्हारी हर छोटी से छोटी खुशी को भी हमने अपनी बड़ी से बड़ी खुशी समझा है। अबू, क्या आप हमें अपने फर्ज और वतन से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं? वतन हमारी शान है, फर्ज हमारी आन है, और रुखसार बेटे तू हमारी जान है। ये क्या अब्बू, वतन, फर्ज और फिर हम, इसका मतलब हमारा नंबर तो तीसरा हो गया ना? वतन और फर्ज से ज्यादा हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। अच्छा, अगर कभी आपको वतन, फर्ज और हम में से किसी एक को चुनना पड़ जाए तो? अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए। फिर भी अब्बू, अगर कभी जाने अनजाने में हम आपके फर्ज और वतन के बीच आ जाएं, तब आप क्या करेंगे? तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। That's like my father. I'm proud of you, Abu. हुजूर तबरेज बेग साहब तशरीफ लाए हैं। आदाब जनाब। आदाब। कहिए तबरेज साहब, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कल 14 जुलाई है जनाब, और परसों 15। उस हिंदुस्तानी मेजर राम की जिंदगी का आखिरी दिन, जब मैं उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग करूंगा ना जनाब, तब मेरे मरहूम भाई फजल बेग की रूह को सुकून मिलेगा। लेकिन तबरेज मियां, इंसानियत का तकाजा है कि फैसला तो हो चुका है ब्रिगेडियर साहब, और ये फैसला मेरा नहीं है, ये फैसला आला हजूर फरहादुल हक साहब का है जनाब। राम की मौत से पहले कल रात हम उसकी मौत का जश्न मनाएंगे, बस उसमें शरीक होने के लिए आपको दावा देने आया हूं जनाब। जी नहीं, मैं ऐसे जश्न में शरीक नहीं हो सकता। आप तशरीफ ले जाएं। आओ बेटे। अब्बू, ये किसकी बात कर रहे थे? बेटे, है एक जांबाज हिंदुस्तानी सिपाही जो हमारी कैद में है। लेकिन अब्बू, प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ तो ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर ये उसे मारने की बात क्यों कर रहे थे? वो प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं है बेटी, उसे तबरेज बेग ने सरहद पार से किडनैप करवाया था। भले ही वो हमारे दुश्मन मुल्क का मेजर है, लेकिन वतन परस्त है, बहादुर है, अपने मुल्क का वफादार सिपाही है। हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने हमें मजबूर कर दिया। बेटे, कभी कभी हमारा दिल करता है कि ऐसे वतन परस्त को हम सलाम करें। अबू, जिसे आपका दिल सलाम करना चाहे, क्या हम उन्हें सलाम कर सकते हैं? ओके। कई रोज से देख रहा हूं, ना तू बराबर खाना खाता है और ना चैन से सोता है। तेरा चेहरा बता रहा है कि अपने सीने में कोई गहरा राज छिपाए बैठा है। क्या बात है सलमान, मुझे नहीं बताएगा? अरे ये साईं तेरे भाई जैसा है, भाई से पढ़ता कैसा? हाँ साईं, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, सब कुछ बता दूंगा आपको। तबरेज बेग, कहाँ है मेजर राम? हमने उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। शिफ्ट कर दिया? जी। लेकिन हमने तो इसकी इजाजत नहीं दी। उसके लिए आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है ब्रिगेडियर साहब। चलो बैठ। फरहादुल हक,
अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। आप ही बताइए मुझे साईं, अब मैं क्या करूं, कैसे पहुंचूं राम भैया तक? बहुत अकेला, बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं अपने आप को मैं। तू अकेला कहां है, ये साईं है ना तेरे साथ, और जिस मकसद से तू यहां आया है तेरा वो मकसद जरूर पूरा होगा इंशाअल्लाह। सलमान, आई एम सॉरी सलमान, आज हम फैसला करके आए हैं और हमारा फैसला तुम हो। आमीन सुम्मा आमीन। मोहब्बत जिसके साथ है समझ लो अल्लाह उसके साथ है। तुम्हारे भाई को आजाद होने से अब कोई नहीं रोक सकता सलमान। लेकिन एक प्रॉब्लम है, तबरेज ने राम भाईजान को अब्बू के कैंप से निकालकर अजमल पहाड़ की गुफा में शिफ्ट कर दिया है, मगर उस जगह तबरेज बेग और उनके आदमियों का सख्त पैरा है। आज रात हमें हर हाल में तबरेज बेग को वहां से हटाना होगा। ये काम तो साईं करेगा इंशाअल्लाह। आदाब हुजूर साईं। आदाब। अरे साईं खुश मिजाज, कैसे आना हुआ? ये हमारे दोस्त हैं शकील मियां। आदाब। आदाब। दुबई से आए हैं, कल इनकी शादी का जश्न है, आपको दावत देना चाहते हैं। मुबारक हो। अरे भाई साईं खुश मिजाज दावत देने आए हैं, इंशाअल्लाह हम जरूर आएंगे। मुझे माफ करना अम्मी, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ, अब सलमान ही मेरी जिंदगी है, आज मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, फिर कभी लौट के आऊंगी या नहीं अल्लाह जाने। अब्बू की बहुत याद आएगी अम्मी। अल्लाह हाफिज अम्मी, अल्लाह हाफिज। भैया चलिए। चलो भैया, ये रुखसार है। आदाब भाईजान। जीते रहो। चलिए भैया। नहीं। या खुदा खैर करना। यही कहीं होने चाहिए। चलो सनी, लगता है इन लोगों को पता चल गया। हिंदुस्तान की सरहद यहाँ से थोड़ी दूर है भाईजान, मैं अब्बू के साथ यहाँ पर कई बार आई हूँ। तुम रुखसार को लेकर यहाँ से निकलो, मैं इन लोगों को ठिकाने लगाता हूँ। नहीं भैया, हम दोनों इन्हें ठिकाने लगाएंगे। ये जज्बाती होने का वक्त नहीं है सनी, तेरा शेर भाई अब आजाद है। ये तो चंद गीदड़ है, मैं पूरी की पूरी पाकिस्तानी फौज पर भारी पड़ूंगा। तुम निकलो यहाँ से। भैया मैं अपनी भाभी से वादा करके आया हूँ, आप मेरे वचन की लाज रखना। तू फिक्र मत कर, जाओ। कुछ लोग इधर जाओ। जल्दी करो।
तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा राम, मैं तेरी मौत बनकर आया हूं राम। अगर मैं चाहता तो तुझे जान से मार डालता, लेकिन तेरे मुंह से दो बार राम का नाम निकला है। तू मरता तो जन्नत में चला जाता, और उस पाक परवरदिगार ने तो तेरे लिए जहन्नुम में भी जगह नहीं बनाई है। तेरी सबसे बड़ी सजा यही है कि अब जब जब तू लंगड़ाएगा तुझे राम याद आएगा। जा लौट और मुझे हिंदुस्तान की सरहद का रास्ता बता। गुड नाइट। यस, अभी अभी खबर मिली है, एक आदमी सफेद झंडा लिए एलओसी की तरफ आ रहा है। बॉयस गेट अलर्ट। सर मेजर राम, मेजर राम सर, डोंट शूट सर। बॉयस एट ईज, गो हेल्प हिम। सर कम मेजर राम। तुम्हें सही सलामत देकर हमें बहुत खुशी हो रही है मेजर राम। थैंक यू सर। सर क्या मेरा छोटा भाई और रुखसार यहां पहुंच चुके हैं? नहीं, यहां तो कोई नहीं आया। लेकिन सर उन्हें तो मुझसे पहले यहां पहुंच जाना चाहिए था। सर प्लीज आसपास के पॉइंट्स पे पता कीजिए सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग किसी और जगह पहुंच गए। सीमा पर होने वाली हर हरकत पर नजर है हमारी, यहां से 50 मील दूर तक किसी के आने की खबर नहीं है हमारे पास। ओह माय गॉड, तब तो मुझे वापस जाना होगा सर। रुक जाओ मेजर राम, तुम वापस नहीं जा सकते। नहीं सर, मुझे जाना ही होगा सर। उन बच्चों ने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर मुझे उन जालिमों की गिरफ्त से आजाद कराया है सर। अगर मेरे जीते जी उन्हें कुछ हो गया तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं होगा। प्लीज सर, लो तुम वापस नहीं जाओगे, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। तुम्हें आर्मी के कानून के मुताबिक डीब्रीफिंग के लिए जाना होगा, क्योंकि आर्मी को जब तक ये यकीन ना हो जाए कि तुमने दुश्मन को कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं पहुंचाई या कोई रास्ता नहीं बताया। मैं अपनी जान दे सकता हूं सर, लेकिन अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मेरा भरोसा कीजिए सर, मुझे जाने दीजिए। नो, तुम कहीं नहीं जाओगे, अगर जाओगे तो सिर्फ डीब्रीफिंग के लिए। नहीं सर, आज मुझे मत रोकिए सर, आज मुझे जाने दीजिए। उन मासूम बच्चों के ऊपर दया कीजिए सर। बॉयज गेट हिम। मेजर राम रुक जाइए सर, मुझे जाने दीजिए सर। मेजर राम सर, मुझे जाने दीजिए सर। रुक जाइए मेजर राम सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए सर। सर एक बार मुझे उन दोनों को यहां पे ले आने दीजिए, इसके बाद आप मुझे फांसी लगा दीजिए, मुझे मंजूर है। मेजर राम को कैंप में ले आइए। लड़की, अपने नेक बाप के माथे पर बदनामी का दाग, मुल्क और काम के साथ गद्दारी, ऐसी घिनौनी और सलील हरकत कैसे की तूने? कैसे भूल गई कि हम तुम जैसे गद्दारों को मौत से कम सजा नहीं देते? हम प्यार करने वाले मौत से नहीं डरते, और दिल मोहब्बत करने से पहले किसी की इजाजत नहीं लेता, क्योंकि मोहब्बत का जज्बा अल्लाह ने पैदा किया है, किसी इंसान ने नहीं। मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता, ना कोई सरहद होती है, ना कोई वतन। हम जानते हैं हम आपके नजरों में गुनहगार हैं, लेकिन यही गुनाह हमारे लिए इबादत है।
मोहब्बत ने तुझे अंधा कर दिया है लड़की। दुश्मन मुल्क से आए हुए इस लड़के ने अपने मकसद के लिए धोखे से तुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है। धोखे और फरेब से तो मेरे भाई को किडनैप किया था आपके लोगों ने। अगर ये मर्द होते तो मैदान जंग से लेकर आते मेरे भाई को। अरे एक बार उसे आजाद करके तो देखा होता, सारी मर्दान की पतलून के रास्ते बह निकलती। खामोश बदतमीज, अदब से बात कर। अदब से बात? अदब से बात अदब के लायक लोगों से की जाती है, तुम जैसे लोगों से नहीं। खामोश उस्ताद, जानता नहीं किसके हजूर में खड़ा है। मेरे एक ही इशारे पर तू हजारों मौत मर सकता है। मेरा मकसद मेरे शेर भाई राम को आजाद करवाना था और मेरा मकसद पूरा हो गया। अब हजारों क्या, लाखों मौत मरना मेरे लिए फख्र की बात है। मरेगा तू, मरेगा और तेरे साथ साथ तेरी महबूबा भी मरेगी। तभी आने वाली नस्लों को यह नसीहत होगी कि मुल्क और काम के साथ गद्दारी करने का क्या अंजाम होता है। आने वाली नस्लें तंग दिलो दिमाग वाली नहीं, बल्कि रोशन दिमाग, नई सोच, नया जज्बा और मोहब्बत का पैगाम लेकर आएंगी। और फिर उनके सामने हैवानियत, नफरत घुटने टेक टेक कर दम तोड़ेगी। और फिर अल्लाह की इस खूबसूरत दुनिया में मोहब्बत करने वालों को खुली हवा में चैन की सांस देना नसीब होगा। बकवास है, अमन, चैन, खुली हवा, मोहब्बत, जज्बा, ये सब बकवास है। हकीकत है तो सिर्फ हमारा फैसला, और हमारा फैसला है तुम दोनों गद्दारों की मौत। सुभान अल्लाह, जिसे आप मौत समझते हैं वो मौत नहीं, मौत पर मोहब्बत की फतेह है। माना कि ये दोनों मौत की सजा के हकदार हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस साजिश के पीछे इन दोनों का हाथ था? नहीं, जिस शातिर दिमाग ने यह चाल चली है वो दिमाग इस लौंडे या लौंडिया का नहीं, दरअसल इस पूरी साजिश का सरपरस्त ये शख्स है जनाब, ये शख्स। तबलेज बेग, अपनी जुबान को लगाम दे। जितने साल तेरी उम्र नहीं है उससे ज्यादा साल हमने वतन परस्ती में गुजार दिए हैं। अगर फिर से तुमने हमारी वतन परस्ती पर इल्जाम लगाने की जरूरत की तो यही तेरी लाश गिरा दूंगा। ब्रिगेडियर खान, आपको अपनी सफाई में बोलने का मौका दिया जाएगा, अभी उन्हें बोलने दीजिए। याद होगा आपको जनाब, उस हिंदुस्तानी मेजर की मौजूदगी के मुतल्लिक खत पर इन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। वो हिंदुस्तानी मेजर जिसकी कैद हमारे मकसद के लिए हमारी फतेह थी, उस मेजर राम को चोरी छिपे रिहा करवाकर ब्रिगेडियर खान ने हमारी फतेह को शिकस्त में तब्दील कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो उनकी बेटी के आशिक का बड़ा भाई है और उनका दिल पसीज गया। आखिर दिल तो एक बाप का ही है ना जनाब, मगर दिमाग शैतान का पाया है। तबरेज बेग, कितनी चालाकी से इन्होंने अपनी बेटी समेत उन दोनों भाइयों को हिंदुस्तानी सरहद तक का रास्ता दिखाया जनाब। वो तो ठीक वक्त पर हमें साजिश का पता चल गया और ये दोनों पकड़े गए, मगर अफसोस मेजर राम हमारे हाथ से निकल गया इनकी वजह से। अगर ये सच है ब्रिगेडियर, तो ये कहर आपकी जिंदगी के तमाम मंसूबों पर पड़ेगा। कैसा कहर, कैसे मंसूबे जनाब? इसने कहा और आपने मान लिया? हमारे सीने में एक बाप का दिल जरूर है, लेकिन हमारी रगों में वतन परस्ती का खून दौड़ता है। हम जानते हैं हमारी बेटी ने एक शर्मनाक गुनाह किया है, आपने तो उसे सिर्फ मौत की सजा दी है। अगर इससे भी बढ़कर कोई सजा होती तो हम उसे देते। I am proud of you, अबू। जब बेटी नहीं थी हमारा वतन था, जब बेटी नहीं रहेगी तब भी हमारा वतन रहेगा। कोई भी रिश्ता, कोई भी जज्बा हमें हमारी वतन परस्ती और फर्ज से गुमराह नहीं कर सकता। ये तुम अच्छी तरह से जानते हो ब्रिगेडियर, कोई भी जज्बा हमें भी अपने फर्ज और रसूलों के रास्ते से नहीं भटका सकता। तुम्हें याद होगा अकील खान
हमारा छोटा भाई, हमारा खून, बहुत अजीज था हमें वो। जुल्म इस मासूम लड़की के साथ हुआ है हुजूर, इसकी इज्जत लूटी गई है और इज्जत लूटने वाला गुनहगार आपका छोटा भाई अकील है। ब्रिगेडियर साहब, अगर ये सच है तो कसम अल्लाह की हमारा इंसाफ आप हमेशा याद रखेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। तुम्हारी पेशानी पर चमकती हुई पसीने की बूंदें हमें बता रही हैं कि झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन। मुझसे गलती हो गई, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए भाईजान, मुझे माफ कर दीजिए भाईजान, मैं आपका छोटा भाई हूँ भाईजान। आप तो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए भाईजान, मुझे माफ कर दीजिए। मत मांगो, जिंदगी की भीख मत मांगो, क्योंकि तुम्हें ये भीख नहीं मिल सकती। गुनाह करने वाला सिर्फ गुनहगार होता है, वो न भाई होता है, न बहन, न बेटी, न बेटी। हमने इसी जगह तुम्हारे सामने अपने हाथों से उसकी जिंदगी खत्म कर दी थी, क्योंकि उसने भी एक शर्मनाक गुनाह किया था। हो सकता है तबरेज बेग की दलील आपको झूठी लगती होगी, हमें भी झूठी लगती है, मगर एक शक, एक खतरनाक सच की सूरत में हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। और जो शक इसने हमारे दिल और दिमाग में डाल दिया है, वो शक हटता क्यों नहीं है, मिटता क्यों नहीं है? आपके सर पर लगे इल्जाम को मिटाने के लिए आपको किसी इम्तिहान से गुजरना होगा ब्रिगेडियर, किसी इम्तिहान से गुजरना होगा। हमें हर इम्तिहान मंजूर है जनाब, लेकिन कोई भी इल्जाम नहीं। तो फिर हमें भी मंजूर है ब्रिगेडियर साहब, फैसला आपने खुद ही कर लिया। कल फजर की नमाज के बाद ब्रिगेडियर सरफराज खान अपनी वतन परस्ती का सबूत देंगे, अपनी बेटी और उसके आशिक को अपने हाथों से गोली मारकर उन्हें मौत की नींद सुला देंगे। यही हमारा फैसला है और इसी फैसले की तामील होगी। सर, जब पाकिस्तान का जन्म भी नहीं हुआ था, तब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने फर्ज और हिंदुस्तान की शान के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था। जालिमों ने उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। आप भी हमारी मौत पर फख्र से फर्ज का सहरा बांध दीजिए सर। अबू, इन जालिमों के हाथों मरने से तो बेहतर है आप हमें इज्जत की मौत दें। आदाब। आदाब अबू। अब तो हम तुम्हें लंबी उम्र की दुआ भी नहीं दे सकते, तुमने हमारे सारे ख्वाब जला डाले रुखसार। अब हमारे आंगन में ना कोई शहनाई बजेगी और ना ही कोई दुल्हन सजेगी। बेटा, तुम्हारी अम्मी जान से हमने वादा किया था कि हम हमेशा तुम्हें मां की नजर से देखेंगे, लेकिन आज तुम्हें मां की नजर से देखकर हमारा कलेजा फटा जा रहा है। अल्लाह की यही मर्जी है अब्बू। अब्बू, जब पहली बार हमने राम भाईजान को सलाम किया तो उन्होंने अपना हाथ हमारे सर पर रखकर हमें दुआ दी, तो ऐसा लगा जैसे वो हाथ उनका नहीं आपका था। मुसलमान होकर भी सलमान अपने हिंदू भाई को बचाने पाकिस्तान चला आया। अब्बू, ये लोग हिंदू और मुसलमान में नफरत का एहसास क्यों पैदा करते हैं?
क्या ये सलमान की तरह नहीं सोच सकते? अगर हिंदू मुसीबत में हो तो मुसलमान अपनी जान कुर्बान कर दे, अगर मुसलमान मुसीबत में हो तो हिंदू अपनी जान कुर्बान कर दे। कल हम इस दुनिया में नहीं होंगे अबू, लेकिन हम खुश नसीब हैं कि ये ज़िंदगी हमें आपने दी है। ये ज़िंदगी जो आपकी अमानत है, कल हम आपको लौटा देंगे। हमारी आपसे आखिरी इल्तिजा है अबू, राम भाईजान को हमारा ये पैगाम ज़रूर दीजिएगा। उनसे कहिएगा हर सरहद नफ़रत की बुनियाद पर रखी गई है, सरहदों ने सिर्फ खून मांगा है, सरहदों पर आज तक किसी ने भी मोहब्बत के फूल नहीं खिलाए। अबू, आप और वो मिलकर उन सरहदों पर मोहब्बत के गुलशन बसा दें। रुखसार, अबू। हाँ? हमने आपको हमारा खून माफ किया, इतनी रात गए तक जाग रहे हैं रमजान मियां? आज तो रात भी जाग रही है हुजूर, हमारी बत्ती सलाखों के पीछे है, कैसे सो जाएं हम? बेशक उसकी रगों में आपका खून बह रहा है, लेकिन मैंने भी इन कंधों पर उसे खिलाया है। मुझे याद है हुजूर, जब वो तालीम के सिलसिले में मुल्क से बाहर चली जाती थी कितने दिन तक आप खाना पीना भूल जाते थे, और कल जब ये इस दुनिया से चली जाएगी तो कैसे जिएंगे आप और कैसे जिएंगे हम हुजूर? आप तो बहुत बड़े अफसर हैं हुजूर, बहुत बड़े अफसर, बचा लीजिए उसे, बचा लीजिए हुजूर, उसे बचा लीजिए। रमजान मियां, वो उन लोगों की गुनहगार है जो कभी किसी को मुआफ नहीं करते और मौत से कम सजा नहीं देते। रुखसार बेटी ने आपके लिए खत भेजा है। रुखसार बेटी ने? रमजान चाचा, हमारी आपसे एक इल्तजा है, हमारी अलमारी में हमारी अम्मी की शादी का जोड़ा है, उसे हम तक पहुंचवा दीजिए। अबू का हमेशा ख्याल रखिएगा रमजान चाचा, हमेशा के लिए अल्लाह हाफिज, आपकी बेटी रुखसार। जाने अनजाने अगर कभी हम आपके फर्ज और वतन के बीच आ जाएं, तो आप क्या करेंगे? तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। That's like my father. I'm proud of you, अब्बू। लड़की, जिंदगी दे सिवाय तेरी कोई और तमन्ना है ते बोल। मरने से पहले मैं निकाह करना चाहती हूं। ओए मुंडिया, तेरी भी कोई जिंदगी दे सिवाय तमन्ना है ते तुम ही बोल। मुझे गोली मारने से पहले और मेरी आखिरी सांस निकलने तक मेरे देश
हिंदुस्तान का नेशनल एंथम बजना चाहिए। हाफिज सलमान। अल्लाह हाफिज रुखसार। मेरे अल्लाह मुझे माफ करना। ब्रिगेडियर साहब, जनाब इस वक्त कैसे याद किया? तबरेज मियां, हम बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं आज। शायद अपनी बेटी या फिर उसके आशिक। ना ना तबरेज मियां, आशिक नहीं, शौहर कहिए। निकाह किया था ना हमारी बेटी ने उसके साथ, यही खड़ी थी ना, यही दुल्हन बनकर। लगता है कि अब भी खड़ी है, शायद अभी अब्बू कहकर पुकारेगी। अगर अफसोस, हम तो उसकी डोली भी नहीं उठा सके तबरेज मियां। डोली नहीं उठी तो क्या हुआ, पर उन दोनों का जनाजा तो आपने बड़े धूमधाम से उठाया ना जनाब। बहुत कड़वा सच बोलते हैं आप, जहरीला। हाँ जनाब, जनाजा तो उठाया हमने, एक मजबूर बाप और कर ही क्या सकता है।
अल्लाह के हुजूर में तड़प रहे हैं वो दोनों, उनकी रूहों को सुकून नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो हम तड़प रहे हैं। उनकी रूहों को सुकून तभी मिल सकता है जब शैतान को इस दुनिया से रिहाई दिला दी जाए। शैतान, शैतान! निहारिका जी, आज सनी होता तो कितना खुश होता। Come in. मेजर राम, निहारिका, आप दोनों को नया मेहमान बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर। मेजर राम, डिफेंस मिनिस्ट्री से यह खत आया है, पाकिस्तान के ब्रिगेडियर सरफराज खान एलओसी पर तुमसे मिलना चाहते हैं और सनी और रुखसार का कोई पैगाम भी देना चाहते हैं। सर, उन दो बच्चों की याद में ये दो फूल लेकर आया हूं, उनका पैगाम लाया हूं। मोहब्बत, नफरत थी उन्हें सरहदों से, जिनकी बुनियाद सिर्फ खून और नफरत पर रखी गई है। उनकी तमन्ना थी कि सरहदों पर फूल खिला दिए जाएं, नफरतों को मिटाकर गुलशन बसा दिए जाएं, ताकि लोगों के दिल मोहब्बत से भर जाए। क्या इस नोमेंस लैंड का दायरा बढ़ाकर हम इतना बड़ा नहीं कर सकते हैं सर, जिसमें सारी दुनिया समा जाए, जिससे दुनिया की सारी सरहदें, सारी नफरत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आमीन। तो आइए हम मिलकर उनके ख्वाबों के गुलशन की बुनियाद रखें। कुदरत ने बख्शा था हमको एक हसी जहां, टुकड़े टुकड़े कर डाला, क्यों तूने इंसान कहीं बना।